नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं खास खबरों पर। यूपी में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नई भर्तियों के लिए युवाओं का ये इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि वो जनवरी 2021 से परीक्षाएं कराने लग जाएगा। आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी है। भर्तियों में लेट लतीफी से प्रदेश के युवाओं में नाराजगी बढ़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग को भर्ती परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कराने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने परीक्षाएं कराने के संबंध में बैठक ली है। इस बैठक में भर्ती परीक्षाएं दो स्तर पर कराने के पर विचार किया गया है। विभागों में समूह गए के करीब 40,000 पद खाली हैं। करीब दो साल से आयोग कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर सका है। कुछ परीक्षाएं हुई भी लेकिन उसमें धांधली सामने आई तो उन्हें रद्द करना पड़ा। खास खबर में बात पुलिस की एक बड़ी कामयाबी की। करीब एक महीने से मध्य प्रदेश पुलिस को चकमा दे रहे सेक्स रैकेट के कुख्यात सरगना सागर जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इस कामयाबी के लिए करीब 1000 नंबर ट्रेस करने पड़े। सागर जैन इंदौर में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाता था, साथ ही ड्रग्स की भी तस्करी करता था। आरोप है कि सागर बांग्लादेश से अगवा की गई लड़कियों को पहले तो ड्रग्स देकर उन्हें नशे का आदि बनाता था और फिर उनकी मदद से सेक्स रैकेट चलाता था, जिसके तार कई शहरों में भी फैले थे। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ड्रग्स की सप्लाई मुंबई से होती थी। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो पुलिस ने गिरोह की तह तक पहुंचने के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी। पुलिस की सख्ती बढ़ी तो सरगना सागर जैन उर्फ सैंडो फरार हो गया। सैंडो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने करीब 1000 मोबाइल नंबर ट्रेस किए और अंत में एक लिंक मिलने के बाद पुलिस सागर जैन तक पहुंच सकी, जो कि दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड के घर में छिपा था। पुलिस पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इस गिरोह में करीब 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। 15 से ज्यादा लड़कियां संपर्क में हैं, जो कि बांग्लादेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से है। अभी तक इस पूरे रैकेट में 5 महिला सहित 25 पुरुष गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल आरोपी सागर जैन पुलिस की रिमांड पर है और उम्मीद है कि आरोपी और भी कई राज उगलेगा। खास खबर में बस आज इतना ही। नमस्कार।